हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। मेरा नाम बैक टू वीडियो गाइस। यहाँ पे जो मैं आपको दूंगा किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट जो है क्रिएट करनी है, तो गाइस कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट आप क्रिएट कर लीजिए। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो गाइस डेफिनेटली वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि गाइस उससे जो है आप अपना पूरा काम दिखा पाओगे, लोग आपके बारे में जान पाएंगे कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा काम किया है, ये चीज़ें जो है कर सकते हैं। वेबसाइट में आपकी सारी डिटेल मिल जाती है। तो जब कोई कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर कोई काम करवाना चाहता है कंस्ट्रक्शन का, तो वो ऐसे लोगों को हायर करता है जिनके बारे में उनको थोड़ा पता हो, वेबसाइट हो, तो वो पूरा काम वाम देख ले। तो इसलिए गाइज मैं आपको बनाना बताऊंगा, काफ़ी ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो। और गाइज मैं आपको सबसे सस्ती वेब होस्टिंग और डोमेन सब कुछ यूज करना बताऊंगा, और कैसे और वो कैसे यूज करके आप जो है वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज देखिए, आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है वेब होस्टिंग और डोमेन नेम की। तो गाइज दोनों जो है आपको dominracer.com के थ्रू मिल जाएंगे। तो जैसे आपको डोमेन लेना है तो यहाँ पे आप डोमेन पे आइए, और यहाँ पे आप अपने डोमेन का कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे sjwordpress.com, एंड देन गाइज यहाँ पे जो है आई विल सर्च, तो जो भी मुझे मिलेगा उससे रिलेटेड। तो ये देखिए मेरे को यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है इसने मेरे को बता दिए, जो जो भी मुझे जैसे sjwordpress.com, द sjword, तो इस हिसाब से आप जो है सबके प्राइजेस भी है, ठीक है। अब जैसे अगर आपको .org लिखना है तो गाइज उसका जो है आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आपको .xyz लेना है तो वो जो है काफ़ी चीप पड़ेगा, ठीक है, डोमेन नेम। तो इस तरीके से जो है आपको अलग अलग प्राइस पर जो है अवेलेबल है, तो कोई सा भी जो है आप ले सकते हो। इसके अलावा गाइज वेब होस्टिंग है, अब वेब होस्टिंग में यहाँ पे क्या है, शेड होस्टिंग जो है वो है। इसमें गाइस आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है गाइस बेसिक, एक है पर्सनल, एक है सिल्वर और एक है एडवांस, ठीक है। गाइस ये बेसिक उनके लिए है जो कि जैसे बहुत उनकी आपकी एक बेसिक सी वेबसाइट है, बहुत ज्यादा जिसपे बहुत ही रेयरली ट्रैफिक आता है, रेयरली लोग उस पर विजिट करते हैं, बस आपने अपने बिजनेस के लिए कि आपकी एक वेबसाइट है उसके लिए आपने वेबसाइट बना रखी है। अब गाइस पर्सनल ये है कि आपकी थोड़ी वेबसाइट पर लोग आते हैं, थोड़ी आपकी वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़े बहुत लोग आते हैं, लाइक 10-15 विजिट्स आपके डेली हो रहे हैं, तो उसके लिए गाइस आपको चाहिए पर्सनल, आप पर्सनल यूज करें। लेकिन गाइस इसके बाद में सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते हैं वो है सिल्वर है, और गाइस ये जो है नंबर वन है बिजनेस चॉइस। देखिए गाइस तो यहाँ पे देखिए गाइस आपको क्या मिलता है, 3 वेबसाइट मिल जाती है, होस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिलता है, अनलिमिटेड ईमेल आईडी मिल जाती है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, लाइट स्पीड SSD टेक्नोलॉजी मिल जाती है, प्रीमियम SEO टूल मिल जाता है। गाइस पर्सनल में सिर्फ आप सिंगल वेबसाइट यूज कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिल रहा है, अनलिमिटेड ईमेल आईडी मिल रही है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रही है, ठीक है। और गाइस जबकि आप 59 rupees पर मंथ मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको SSD स्पेस भी जो है सिर्फ 1 GB मिलेगा, और सिर्फ सिंगल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो गाइस मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी छोटी वेबसाइट है तो स्टार्टअप पर्सनल से करिए, और गाइस अगर थोड़ा उसको आप एडवांस लेवल पे यूज करते हैं तो सिल्वर करिए। और गाइस अगर आपकी वेबसाइट पर काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक आ रहा है तो गाइस आपको जो ये एडवांस्ड वाला जो है ये आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये कुछ प्लान है। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहें तो इसके अलावा गाइस आपके पास ऑप्शन है कि आप इस तरीके से रीसेलर होस्टिंग भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर भी और VPS होस्टिंग भी ले सकते हैं। लेकिन गाइस वो अगर आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा आपको एक अलग से सर्वर चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए इसके अलावा गाइस अगर आप यहाँ से होस्टिंग खरीदते हैं dominracer से, तो गाइस आपको काफी सारी फीचर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे गाइस ये 20x फास्टर सर्विस स्पीड है, यहाँ पे ये ईमेल मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, फुली मैनेज सर्विस आपको प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पे वेबसाइट करने में मैनेजमेंट सिस्टम से वर्डप्रेस में हम वेबसाइट बनाएंगे, तो गाइस वर्डप्रेस और ड्रूपल जूमला यूज करना इसमें काफ़ी ईजी, काफ़ी ईजी आप इंस्टॉल कर पाओगे। एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पे बैकअप भी आपको मिल जाता है, एंड एक्साइटिंग डील ऑन प्लान्स आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती है जो कि आपको इधर दिख ही रही है, ठीक है। तो गाइस जब हम वेबसाइट खरीद लेंगे, ठीक है, जब आपका पूरा ये आप इसको बाय कर लोगे, ठीक है, मान लो जैसे मैं यहाँ से ये बाय करने लग गया, ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने इसको बाय कर ली, जो भी मैंने प्लान व्लान है मेरा यहाँ पे डोमेन नेम डाल के, फिर गाइस आपको जो है ऐसा सी पैनल मिलेगा, ठीक है। एंड इस सी पैनल में गाइस आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे यहाँ पे ये है गाइस ईमेल, तो ये आपकी ईमेल वगैरह जो है चेक करने के लिए। उसके बाद में गाइस ये फाइल है, तो यहाँ पे जो आपका फाइल मैनेजर, अगर फाइल अपलोड करनी है आपको अपनी वेबसाइट अलग से अपलोड करनी है वर्डप्रेस को अलग से, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, आप आपका डेटाबेस क्रिएट है कर सकते हो, उसको जो है एडिट कर सकते हैं। और गाइस ये डोमेन से जैसा अगर आपको एड ऑन डोमेन या सब डोमेन ये सब कुछ ऐड करना है तो गाइस आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद गाइस ये मैट्रिक्स है जो कि आपकी वेबसाइट की स्टैटिस्टिक्स को दिखाते हैं। फिर ये गाइस आपको सिक्योरिटी टूल है, गाइस ये सॉफ्टवेयर है जैसे वर्डप्रेस वगैरह ये सब कुछ जो आप यहाँ से इंस्टॉल कर पाओगे। और ये गाइस यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर है, ये प्रेफरेंस है। इसके अलावा गाइस इस जो ये होस्टिंग है इसके अंदर इन्होंने ही जो है काफ़ी सारी खुद की जो है थीम्स दे रखी है, डायरेक्ट वेबसाइट अगर एज टू यूज है बिना कोई आप ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से जो है वेबसाइट क्रिएट करना कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग के, तो ये भी जो है आप इसका जो है यूज कर सकते हो। आपको अपने होस्टिंग के सी पैनल में आना है, मैं dominracer होस्टिंग के सी पैनल पे हूँ, यहाँ पे सीधा आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल नाउ करना है। फिर उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना साइट नेम, डिस्क्रिप्शन, यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे सीधा आपको अपने डेटाबेस का नाम डालना है। उसके बाद में आपको सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और गाइस देखिए यहाँ से सीधा जो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो अभी जो इंस्टॉल हो रहा है
उसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक है WP जो कि आपका एडमिन सेक्शन का, यहाँ से जो है आप प्लगइन और थीम्स जो है इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस ये है यूजर के लिए, यहाँ से जो भी होगा वो यूजर्स को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको देखना है। आपको फ्रेंड सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि आपको वर्डप्रेस की साइट पे मिल जाएगा, उसका नाम है एस्ट्रा साइट, ठीक है। तो ऐड न्यू पे आता हूँ मैं और यहाँ पे सीधा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्लगइन है गाइस, ये वो जो प्लगइन है आपको वर्डप्रेस की साइट पे मिल जाएगा, इसका नाम याद रख लीजिए एस्ट्रा साइट, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके सीधा यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइस ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा एंड इसके बाद में हमारे पास जो है दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, बिहेवियर का तीन ऑप्शन आएंगे, बिहेवियर का, एलिमेंटर का और वर्डप्रेस ब्लॉक का, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कर दीजिए इसके बाद में आप यहाँ पे, एंड एक्टिवेट करने के बाद में सीधा आपको, तो गाइस ये एक्टिवेट है और यहाँ पे अब सीधा सी लाइब्रेरीज पे आ जाइए। लाइब्रेरीज पे आके आपको यहाँ पे आना है बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। अब गाइस यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर। तो इसमें से किसी से भी अगर आपको साइट बनानी है तो उससे आप बना सकते हैं। ब्लॉक एडिटर का हम इतना यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इतना यूज यूजली सिर्फ नॉर्मली ब्लॉक्स का एडिट करने के लिए होता है, बट ज्यादा हम एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर का ही जो है यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एलिमेंटर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, तो आपको कंस्ट्रक्शन वाला टेम्पलेट जो है यहाँ पे आना है। यहाँ से कहीं आप लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में काफ़ी लोगो पड़े हुए हैं, तो मैं उनमें से या तो कोई चूज करके लगा सकता हूँ या फिर कहीं आप अपने मन से कुछ लगा लो, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं अभी के लिए तो बता दूँ इसको, ठीक है। अभी गाइस थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि लोड हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। अब ये गाइस यहाँ पे आ गया है, ये लोड हो गया, ठीक है। तो ये थीम है एंड गाइज यहाँ पे जो है इसके बन कंटिन्यू करते हैं। गाइज यहाँ पे कलर्स है काफ़ी सारे, तो जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर ले लीजिए, बट क्योंकि गाइज यहाँ पे इसका लोगो का ये कलर है तो सेम कलर के साथ ही मैं जा रहा हूँ, ठीक है। देन कंटिन्यू कर देते हैं, इसके बाद सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो अब इस प्रोसेस में जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक के लिए हम वेट करते हैं। तो गाइज देखिए अभी साइट जो हो गई, अब इसको व्यू योर वेबसाइट करेंगे, तो जो थीम जो थी वो इंस्टॉल हो गई थी। अब गाइज यहाँ से मैंने इसको किया व्यू योर वेबसाइट, तो अभी क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा है इसमें थोड़ा टाइम लगा, 3.54 मिनट्स। तो गाइज ये हमारे पास थीम आ गई है जो कंस्ट्रक्शन की जो थीम थी, ठीक है। तो ये सब कुछ है एंड यहाँ से गाइज आपको क्या करना है, अगर आपको गाइज एडिट करना है इसके अंदर कुछ भी, तो यहाँ से सीधा है एडिट विद एलिमेंटर, इस पर क्लिक करना है। और एडिट विद एलिमेंटर से गाइज आप जो चाहे वो अंदर से जो है एडिट कर सकते हो, तो ये आपके पास ऑप्शन जरूर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम एडिट करते हैं, ठीक है, थोड़ा हम वेट करते हैं। तो इस वजह से पेज खुल गया, यहाँ से जैसे टैगलाइन लिखी हुई, तो यहाँ पे अपनी कोई भी टैगलाइन लिख सकते हो। फिर आप लिखा है गेट ए फ्री क्वॉट, अब यहाँ से क्या है कोई लिंक डाली हुई है, तो जहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आपके कोई लिंक है, आप वेब पेज है कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो जो है आपको यहाँ पे लिंक डाल देनी है। जब मैं बताया तो उसको हम यहाँ पे टैगलाइन वगैरह है, फिर यहाँ पे विजन वगैरह वगैरह, फिर गेट और फेस, यहाँ पे सब कुछ जो है अपने बारे में लिखी है, आपकी स्पेशलाइजेशन लिखी है। तो यहाँ पे साथ में आर्टिकल देखिए, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने आइकन लगा रखा है, तो यहाँ पे जैसे आप इसके बारे में लिख दीजिए कि क्या क्या है स्पेशलाइजेशन, और साथ में यहाँ पे जो आप आइकन लगा दीजिए, सभी एक्सटीरियर डिजाइनर पे इन्होंने आइकन लगाया है। तो इस प्रकार से आप ये भी काम कर सकते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन के बारे में भी लिख सकते हो। तो ये देखिए गाइज ये है, तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें से बनी हुई है, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हो, ये है व्हाट अवर क्लाइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्लाइंट डाल, उनका टेस्टिमोनियल वगैरह वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट, जो आप रीसेंट प्रोजेक्ट बनाए उनकी पिक वगैरह डाल, जैसे एक ग्रेट मेगा प्रोजेक्ट है, हाई टावर बिल्डिंग, स्काई स्क्रापर प्रोजेक्ट जो भी बनाया है, नेशनल म्यूजियम, स्काई स्क्रापर टावर एंड बिग कंपनी हेडक्वार्टर, ठीक है। तो गाइज इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो आपको वेबसाइट बना लेनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के द्वारा आप गाइज एक प्रकार से वेबसाइट आपका पोर्टफोलियो है यार, आप बता सकते हो लोगों को कि यार हाँ यही हमने काम किया है। और इसीलिए बोलता हूँ सबको वेबसाइट बनाना चाहिए, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। ताकि गाइज मैं भी ऐसे करता हूँ कि आपको कहीं बाहर जाके ज़्यादा पैसा देना ना पड़े, आपको मैं सस्ती होस्टिंग, सस्ता डोमेन वगैरह, और सबसे बड़ी बात सबसे मैंने ये भी बता देता हूँ कि किस तरीके से इजली आप बना सकते हो अगर कोई इन्वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो बना लो यार वेबसाइट, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन का आपका बिजनेस, तो डेफिनेटली एक वेबसाइट होनी चाहिए गाइस, जैसे कि ईजी है। अब यहाँ पे जैसे कितने क्लाइंट्स आपने के रहे, कितने प्रोजेक्ट्स रहे, रिपेयरिंग वगैरह, लेकिन गाइस अगर आप इसे संतुष्ट नहीं हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ और कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे करा, ठीक है, और यहाँ पे गाइस मुझे कुछ भी ऐड करना है, तो हम इसको जो है ऐड कर सकते हैं लाइक ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें हमको ऐड करना है, तो हम यहाँ से कहीं से ऐड कर देंगे। अब कोई इनर सेक्शन ऐड करना है, हेडिंग ऐड करनी है, भाई इमेज डालनी है, या फिर बटन डालना है, वीडियो डिवाइडर, स्पेशल गूगल मैप्स आइकन, पेट्रो कलर, WP फॉर्म, एनिक फॉर्म, तो कुछ चाहे जिस, मान लो वो कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है, फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म दिए, तो आप सीधे यहाँ पे
फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म डाल दिया, तो इस तरीके से सारा काम कर सकते हो यार आप, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है गाइस, आप एक ये कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ये इस तरीके से, अब देखिए गाइस हम जो है हमारे ओरिजिनल सेक्शन पे जाते हैं, ओरिजिनल पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एडिट करने लायक कुछ है नहीं गाइस कंस्ट्रक्शन की। आप चाहे तो गाइस यहाँ पे जो है इमेजेस वगैरह आप अपनी खुद की, जो आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है ना, वो इमेजेस जो है आप यहाँ पे लगाए, तो यही जो है एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। अब तो यहाँ पे जैसे गाइस इनके फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के भी लगे, तो इनको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। मैंने काफी बार आपको बताया, एडिट एलिमेंटर पे जाओ और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसमें फेसबुक का लिंक डालना है, ट्विटर का डालना है, इंस्टाग्राम का डालना है, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो है आपको बटन मिल जाता है, तो इसमें जो है आप इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में ये मिल जाता है जहाँ पे नेम वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे मैप वगैरह, तो गाइस सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी जो है गाइस अपने कंस्ट्रक्शन की जो है साइट क्रिएट करनी काफ़ी ईजी है, काफ़ी जो है आप क्रिएट कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग की वॉचिंग माई वीडियो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी की अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसीलिए यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो, और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।